नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में पूजा। सतना के कोटार थाना के अंतर्गत बिहरा के खेत में आग लग गई। भयानक आग पर काबू पाने गई फायर ब्रिगेड और कर्मचारी आग की चपेट में आ गए। सतना जिले में अब तक खेतों में आग लगने की एक दर्जन से अधिक घटनाएं हो चुकी हैं। ताजा घटना सतना के बिहरा गांव की है, जहां खेतों में आग इतनी भयानक लगी कि आग बुझाने पहुंची दमकल भी चपेट में आ गई और खाक हो गई। घटना में दमकल के दो कर्मचारी भी बुरी तरह से झुलस गए, जिन्हें कोटर अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद सतना जिला रेफर कर दिया गया है। दरअसल आग बिजली के खंभों की तार की स्पार्किंग के चलते लगी थी। कई किलोमीटर खेतों में फैली आग को बुझाने की कोशिश की जा रही। सतना जिले में खेतों में आग लगने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा। दोपहर कोटर थाना क्षेत्र के बिहरा और करही गांव के खेतों में भीषण आग लग गई। बिजली के खंभों में हुई स्पार्किंग से आग लगना बताया जा रहा है। आग से खेतों में खड़ी फसल और खलिहान में रखी फसल जल गई। देखते ही देखते कई किलोमीटर इलाके में खेतों में आग फैल गई। ग्रामीणों के आग बुझाने का प्रयास नाकाफी साबित होने पर पुलिस और दमकल को फोन कर सूचित किया गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड आग बुझाने के दौरान खुद ही आग की चपेट में आ गई और जलकर खाक हो गई। दमकल में लगी आग में फायरमैन संतोष शर्मा और ड्राइवर राहुल गौतम बुरी तरह से झुलस गए। घायलों को आनन फानन में कोटर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायल कर्मचारियों की हालत नाजुक होने के कारण सतना जिला रेफर कर दिया गया है। वहीं इस इलाके में खेतों में आग कैसे लगी, स्थानीय ग्रामीण पूरी कहानी बता रहे हैं। आग से झुलसे कर्मचारियों का प्राथमिक इलाज के बाद कोटर अस्पताल के डॉक्टर दोनों की हालत नाजुक बता रहे हैं और सतना जिला अस्पताल रेफर कर दिए हैं। सतना के में खेतों में लगी आग को बुझाने के नाकाफी साबित होते जिला प्रशासन के इंतजाम के बीच बिहरा की दर्दनाक घटना सामने आई। आग फायर ब्रिगेड कर्मचारी सुरक्षा उपकरण पहनकर आग बुझाते तो शायद ये घटना नहीं होती। थोड़ा दिखा, हाँ मैं ना एक, हाँ मैं तो फायर ब्रिगेड की फोटो नहीं आ रही यार, मेरे जान खतरे से खाली नहीं है। ये करीब 10:30-11 बजा रहा है और हम यहाँ से, हमको इवेंट आई करही कला के लिए, आग बुझाने के लिए यहाँ से हम और हमारा फायर गाड़ी लेके चले और इस पार्ट में पहुँचते ही गांव के तरफ से काट कर आग को कंट्रोल करके अंदर बाउंड्री लगी थी बांध में, तो वहीं हमने सोचा कि पाइप बिछवा दे, तो उन्होंने लाठी डंडे लेकर दौड़े, बोले गाड़ी अंदर जाएगी। तो हमने कहा भैया अंदर आग जल रही है, वहाँ गाड़ी उजड़ना उचित नहीं है। भाई तुम जा रहे हो कि नहीं फिर बताओ, हम अपनी वाली कर। हमने कहा ठीक है भैया, घुसेड़ रहा हूँ, फिर बाउंड्री वाउंड्री फोड़े, फिर अंदर घुसेड़ा, एक तरफ से वहाँ भी उतारा, कंट्रोल कर दिया, फिर ऐसे हवा टाइप पलट गई। हवा जब हवा पलटी तो घुसे गाड़ी। डॉक्टर साहब, ये जो लोग आग में झुलसे हैं ये किस वजह से झुलसे हैं और ये घटना कहाँ की बताई जा रही है? ये घटना ग्राम पुरुष बिहार क्रमांक 1 करही खुद की है। लोग हमारे पास ऐसी सूचना आती है कि किसानों के खेत में आग लग गई और यहाँ से कोटर से फायर ब्रिगेड अराउंड 10:30-11 के आसपास यहाँ से निकला, बट जो हमारे पास यहाँ लोग आए हैं 12:30-1 के समथिंग पहुँचे हैं और काफ़ी क्रिटिकल, लेकिन मतलब इसमें से जो एक पर्सन है राहुल गौतम, वो तो हमारे पास अनकॉन्सियस स्टेज में है। जब से हम उनको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट स्टार्ट किया एंड 108 के माध्यम से जिला अस्पताल के लिए भी रेफर कर रहे हैं, अभी 108 आने वाली है, काफ़ी देर से मतलब वेट तो कर रहे हैं। और एक मिस्टर शर्मा जी भी हैं जो उनके हाथ, दोनों हाथ में जो काफ़ी ब्लिस्टर आ गए हैं और चेहरे में भी हो गए हैं,